लेकिन जब ये सिचुएशन एग्जैक्टली आती है, मींस वो जो अवर्स होते हैं, जैसे कि 6 अवर्स 8 अवर्स जैसे कि मेरे साथ होता है, वो अवर्स में एक्चुअली पता होने के बावजूद भी वो जो हम अप्लाई करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, तो हाउ टू हैंडल दोस टाइप ऑफ अवर्स? इनका जो क्वेश्चन है वो सिंपल तरीके से ये है कि थियोरेटिकली तो ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब अपने ऊपर बीतती है तो कुछ भी याद नहीं रहता, ये सारी बातें भूल जाते हैं। देखो, इसीलिए तो मैं ये सेशंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब आपकी सिचुएशन में होता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ में कुछ बुरा हुआ, तो ये मत समझो कि मैं कोई सुपरमैन हूँ या मैं कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूँ, मैं एकदम से उठ करके खड़ा हो जाता हूँ, आसान है आसान है आसान है आसान। अरे नहीं भाई, मैं भी एक बार को गिरता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप गिरोगे ही नहीं, चलना सीखना है तो गिरना तो पड़ेगा, गिरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, गिरोगे तो दर्द भी होगा, कोई भी इंसान होगा अगर वो गिरेगा तो उसको दर्द तो होना ही होना है, उस टाइम पे दर्द को आप नहीं रोक सकते, बस उस टाइम पे आपको क्या करना है कि बजाय कि उस दर्द में, अब वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप उसमें एक दिन रहना चाहते हो, एक महीना रहना चाहते हो, एक साल रहना चाहते हो, पूरी पूरी जिंदगी रहना चाहते हो। That is one. And two, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कोई बुक उठा सकते हो, मेरा कोई सेशन देख सकते हो, उस टाइम पे वो आपके काफी काम आने वाला है, क्योंकि वो आपको उठने में मदद करेगा, आपको उठाएगा नहीं पकड़ करके, मतलब मैं उस वीडियो में से बाहर निकल के आपका हाथ पकड़ के उठाने नहीं वाला आपको, उठना आपको खुद ही पड़ेगा, बस अंदर से जो चीजें कुछ जाएंगी ना, सोचो उस टाइम पे कोई बंदा गिरा हुआ है, उसको बोला तू है ही गिरा हुआ, क्या होगा क्या होगा, वो उठ ही नहीं सकता, तू है ही ऐसा, तेरा तो ऐसा ही होना था, यही होता है दुनिया में, एक आदमी से एक गलती हो जाती है और आ करके सारी फैमिली सारे रिलेटिव उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, अभी तूने किया कैसे, तू इतना बेकार आदमी, क्या क्या कर रहा है, है ना, ऐसी ऐसी चीजें होने लग जाती है, तो उसका मॉरल जो पहले ही डाउन था वो और डाउन हो जाता है, वो जमीन के अंदर धस जाता है जाकर के। तो मेरा क्या काम है, ये जो सेशंस हो रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है कि जब ऐसा कुछ हो तो कहीं तो एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव एनर्जी हो ना, कोई तो हो इस दुनिया में जो आकर के आपको कहे कि नहीं आप कर सकते हो, अकेले आप नहीं गिरे, मैं भी बहुत बार गिरा और मैं खड़ा हुआ हूं, तो आप क्या नहीं कर सकते। एक बार याद करने की कोशिश करो, जब आप यहाँ पे आए थे अभी से 20-25 मिनट पहले, तो क्या सोच रहे थे, अखबार में कोई गंदी सी न्यूज देखी होगी उसके बारे में सोच रहे होंगे, करप्शन के बारे में सोच रहे होंगे, कोई बातें हो रही होंगी उल्टी सीधी, क्या सोच रहे थे, सब छोड़ दिया और सब भूल गए। यही पॉजिटिव एनर्जी की ताकत, पॉजिटिव एनर्जी, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं ना वो नेगेटिव इमोशन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। बात आप एक बात बताओ, अंधेरा लाखों साल पुराना हो, करोड़ों साल पुराना हो, एक रोशनी की किरण को कितनी देर लगती है उसको खत्म करने में, एक सेकंड नहीं लगता, आया और खत्म, अंधेरे को मार दिया, यही है, बजाय इस नेगेटिविटी को बढ़ाने के, उसकी इधर उधर की बातें करने के, कहीं से तो कोई शुरुआत होनी थी ना, वो शुरुआत हो गई। आपका वो इल्यूजन टू रियलिटी था, जो मेरे बचपन में एक इल्यूजन था वो मेरा रियलिटी बन चुका है, पर अभी भी एक पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है कि मैंने अपने कामकाज में आसपास का वातावरण चेंज कर दिया है और अंदर का भी वातावरण चेंज कर दिया है, पर कोई नया स्टेप लेने जाता हूँ कामकाज में तो कोई अंदर से एक आवाज आती है, तू नहीं कर सकता, तो अंदर से भी आवाज आती है कि वो मजाक कर रहा है, तू अपना काम कर, तो सर वो पीछे की छोटी सी आवाज कौन सी है, सर्च करता हूँ तो नहीं मिलती है सर। तो
अंदर से आवाज कौन सी आती है, किसकी आती है, कौन है वो, कहाँ बैठा है, वो समझ नहीं आता, वो पकड़ में नहीं आती। अभी मैं पकड़वाता हूँ। देखो मैंने अनस्टॉपेबल सेशन में एक बात बोली थी कि एक सवाल करो अपने आप से, क्या था वो सवाल, क्यों ये मैंने क्यों बोली क्यों बोली कि क्यों सवाल करो, पता चलता है सामने से आंसर मिलेंगे। Absolutely, let's give a big hand for this one. जब भी आप कुछ भी करने से पहले अपने आप से क्यों पूछते हो तो आपको पता लग जाता है कि मेरा उस काम को करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। सपोजिंगली आप एक बार यहां आए, आप इमेजिन करो कि आप यहां पे खड़े हुए हो और आपके यहां पर चार बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए पहलवान टाइप के, बिल्कुल कान तोड़ देते, कान टूटे हुए होते हैं उनके पहलवान हो गए, वैसे उस टाइप के यहाँ पे चार पहलवान खड़े हुए हैं लंगोट वंगोट पहन के, और आपको उनसे लड़ना है। ये आपका गोल है, गोल सेटिंग समझ आ रही है, गोल है, इनका गोल क्या है, उनसे लड़ना है आपको, क्या करोगे भाई, मैं तो वहां पे होगा। सेट करते रहो, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, क्यों चाहिए पता ही नहीं, पूछता ही नहीं है कोई, कर दिया गोल सेटिंग। उसके बाद में भैया करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेने के लिए इमोशंस होने चाहिए। इमोशंस क्या है, एनर्जी इन मोशन, इमोशंस एनर्जी इन मोशन, मतलब किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के आप नहीं कर सकते। अब वो इमोशंस कहां से आते हैं, वो गोल से नहीं आते, वो उनसे लड़ने से नहीं आएंगे आपको, वो आएंगे पर्पस से, कि आपका मकसद क्या है, क्यों लड़ना है भाई, लड़ना है या भागना है। अभी तो हमारा मकसद है भागना, ठीक है, क्योंकि चार लोग सामने खड़े हैं, आपका भी मकसद है भाग, क्यों लड़ेंगे, उन सबको पागल ही होगा जो जाएंगे लड़ेगा, है कि नहीं, कोई है यहाँ पे जो आकर के लड़ेगा उनसे बिना बात के। अब दूसरी तरफ से देखो क्यों करना है, अब मैं आपको वजह देता हूं करने की। अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो, मम्मा को, आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है, इमेजिन करो, आप बंद कर दो, है ना, आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है यहाँ पे, और वो चार पहलवान आपके सामने खड़े हुए हैं, वो आपको नहीं मारना चाहते, आपकी मम्मा को मारना चाहते हैं, अब क्या करोगे, थोड़ा जोर से बोलना, एक थोड़ा और जोर से बोलो पीछे, क्यों पूछना है कि पीछे कोई इमोशन है भी या खोखला है, समझ गए, मतलब एक जो ट्रेन है उसमें डब्बे तो बहुत सारे हैं, कोई इंजन भी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, या हम उसमें डब्बों में बैठ करके खुश हो रहे हैं, वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, इंजन तो होना चाहिए, इंजन मकसद है, गोल नहीं है। छोटा सा कन्फेशन है मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, अनस्टॉपेबल सेशन कितने लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने देखा, उसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। एक हमारे पास में ना काफी सारे कमेंट्स आए जिन लोगों ने लिखा, सर आपका ये अनस्टॉपेबल सेशन देखने के बाद में मैंने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में कभी BMW गाड़ी के बारे में सोचूंगा भी। कितने लोगों को और ऐसा लगा है कि मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पर भी कुछ लोगों को लगा है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में मूवी देखने गया था अपनी फैमिली के साथ में, एक लड़का आया, उसने आकर के मेरे से यही बात करी, उसने कहा कि सर BMW गाड़ी आप सही कहते थे, मैं बेकार में सोचता रहता था, क्या बेकार, ये सब चीज़ों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इंसान, तो काम क्या करेगा, मतलब वो उसकी अपनी थिंकिंग थी। मैंने कहा भाई तेरे पास 5 मिनट है मेरे से वॉक करने के लिए, हाँ चलो ना कहाँ चलना है। मैं गया उसको जा करके उस मॉल में, मैंने B2 प्रेस किया, मतलब बेसमेंट की सेकेंड लेवल पार्किंग की, वहाँ पे गए नीचे जा करके,
गाड़ी मैंने ओपन करी और आकर के मैंने कहा आना जरा बैठना यार, मेरे साथ कुछ बात करनी है, यहाँ पे आराम से बैठ के बात करते हैं, मॉल में ना शोर बहुत हो रहा था। तो आकर के मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ गाड़ी में, बेसमेंट में, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने स्टेयरिंग पे हाथ लगाया, मैंने कहा पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। तो बीए कर लूं आपको नहीं मिलेंगी। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप जितना उस चीज के बारे में सोचोगे उतना उसके मिलने के चांसेस कम है, जितना काम पे ध्यान दोगे तो एक या हजार BMW आकर के खरीदोगे। सर, जैसे आपने बोला कि BMW के बारे में सोचना, मतलब हमको सोचना है कि सोचना ही नहीं है। जैसे मैंने द सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बच्चे को साइकिल का जो उसका एग्जांपल दिखाते हैं तो वो बच्चा सोचता है साइकिल के बारे में तो उसको मिल जाती है। तो क्या आप बोलना चाहते हैं कि वो गलत है? ये गलत नहीं है, ये बहुत बड़ा मजाक है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर देता हूँ, मेरे एक बहुत जल्दी एक सेशन होने वाला है, उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ लव। डिटेल में सब चीजों के बारे में मैंने बात करी है, बट अभी अभी जो आपने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया मैं सिर्फ उसी की बात करता हूँ। सिंपल, एक बच्चा है, उसको एक साइकिल चाहिए। वो कहते हैं उस बच्चे को बैठ करके रात को सोते टाइम, मतलब उसको खोल करके उसको जो भी अपना उसमें साइकिल की फोटोग्राफ है उसको देखता रहे, उसको सोचता रहे, उसको फील करता रहे, बिल्कुल ऐसे सोचे कि मेरे को वो साइकिल मिल गई है, बस घर के बाहर गेट खुलने ही वाला है और साइकिल खड़ी हुई है ना, मतलब ये उसमें बताया गया, ये बताया गया। और अच्छा, एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रखना, बेसिकली अगर आपने मेरे जितने भी सेशन देखे होंगे आपने नोट किया होगा मैं कभी भी किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलता। तो लाइफ में पहली बार मैं किसी चीज के बारे में नेगेटिव बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये करके, लेकिन ये करना जरूरी है। मेरे लिए भी ये अच्छा नहीं है लेकिन ये करना जरूरी है, आपके लिए अच्छा है, यही मेरी जिंदगी है। जो कहेंगे कितना बेवकूफ आदमी है यार, कितना कितना बेकार आदमी है, देखो कितना उल्टा बोल रहा है उसके बारे में, लेकिन मुझे जो सच लगता है मुझे तो बोलना ही है ना यार, मुझे बोलना मेरे बारे में आपको बोलिए, मेरा दिल नहीं मोटिव है कि आपका अच्छा। अब वो बच्चा सोचे जा रहा है मुझे ये साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। अब इससे क्या हो रहा है, उसका डिजायर बढ़ता चला जा रहा है उस साइकिल के बारे में, बढ़ गया ना। एक बच्चा है बेचारे, बच्चे का क्या दिमाग होता है सोच के देखो जरा, एक बच्चे के दिमाग में जबरदस्ती वो साइकिल घुस गई जाकर जो नहीं थी, और उसने ये भी नहीं पूछा कि क्यों चाहिए। अब इससे क्या होगा, देखो ये एक रास्ता है जो उन्होंने बताया, मैंने जो रास्ता बताया अनस्टॉपेबल सेशन में, मैं क्या बोलता हूँ, बच्चे को साइकिल चाहिए जाकर के अपने पापा को बोलो पापा साइकिल दिला दो, क्या होगा? मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 50% केसेस में क्या होगा कि उसके फादर अफोर्ड कर सकते होंगे वो साइकिल। दो सिचुएशन है ना, एक है कि उसकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, एक है नहीं कर सकती। जब कर सकती है और जा करके मांगेगा वो साइकिल तो अब उसके साइकिल मिलने के चांसेस क्या है, 100%। और अगर वो किसी को ना बोले और बैठ करके रोज रात को सोचता रहे मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, और मुझे मिलेगी कभी ना कभी मिलेगी, कहीं ना कहीं से मिलेगी, और वही वाली मिलेगी और कहीं से आएगी, तब क्या चांसेस है? जीरो नहीं कह सकते, जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि लॉटरी लगने के चांसेस भी लाखों में एक होते हैं, लाखों में एक। मैं ये नहीं कह रहा ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसके होने की। अब आ जाओ दूसरे केस में जहां पे एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत है, वो क्या है कि उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। अब इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे लेकर के जा रहा हूं, आपके घर में कोई मेड्स वगैरह काम करती होगी है ना, मेड सर्वेंट्स होगी, कितने लोगों के घर में है मेड्स हैं, या फिर कोई प्रेस वाले हैं जहां से हम अपने कपड़े प्रेस करवाते हैं और करवाते हैं। सपोज उसके बच्चे ने कहीं से वीडियो देख ली, छोटा सा बच्चा है, उसके दिमाग में आ गया, अब वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और रोज रात को बैठ करके अगर बच्चा इस साइकिल के बारे में सोचने लग जाए तो उसकी लाइफ कैसी होगी? ये बेटर है, या फिर ये बेटर है कि वो साइकिल के बारे में जाकर के अपने घर वालों को बताए
और उसके घर वाले बोले कि बेटा नहीं मिल सकती तेरे को साइकिल, पिट्ठू घेर और मजे कर, क्या बेटर है, क्या बेटर है, कुछ सोचो। या तीसरा ऑप्शन, ये था दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कि वो बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो चाहिए, हर हालत में चाहिए। या उसमें एक और एग्जांपल था नेकलेस वाला, आपने देखा होगा एक लड़की ने एक नेकलेस को देखा और देख करके कहीं से किसी चमत्कार की वजह से वो नेकलेस अपने आप उसके पास चला गया कुछ दिन के अंदर। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सीक्रेट में जितनी भी बातें बोली गई वो सब गलत है, बहुत सारी बातें जो बिल्कुल सही है, 100 out of 100 परफेक्ट है। जैसे एक आदमी का एग्जाम्पल दिया था जो एक हॉस्पिटल में था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उसने क्या सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि मेरे को वो चाहिए हॉस्पिटल से निकल करके गाड़ी चाहिए, उसने ये सोचा कि अगर मैं ठीक हो गया, उसका मकसद देखो, पर्पस देखो क्या था, वो बिल्कुल क्लियर था कि मुझे किसी तरीके से ठीक होना है क्योंकि मैं अपने आप में एक एग्जांपल बन सकता हूँ आने वाले टाइम में लाखों लोगों के लिए और मुझे यहाँ से निकलना है अगले 6 महीने के अंदर, तो निकल गया। उसने कहाँ फोकस किया, काम पे किया, किसी चीज पे नहीं किया। मतलब कि आप अपने आप को तो बदल सकते हो, सिंपल वे में जो मैं बोल रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप खुद पे लगाओ, किसी काम पे लगाओ, किसी दूसरे इंसान पे या किसी चीज पे। इस तरीके से लगा रहा था, मतलब वो कहां लगा रहा है, खुद पे नहीं लगा रहा, दूसरे इंसान पे लगा रहा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू कब अच्छा इंसान लग रहा है, आप दूसरे आदमी को नहीं बदल सकते, इसलिए वहां पे टाइम वेस्ट करना छोड़ो, चीजों को पाना, चीजों को हासिल करना, ये मेंटालिटी को छोड़ करके अपने आप को इतना काबिल बनाना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव। ये नहीं भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए। सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहाँ कितने लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट इतने सारे। अच्छा तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप एग्जाम में पढ़ाई करो नहीं, अपने दिमाग में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर दो कि मेरे 90% आएंगे, 90% आएंगे, 90% आएंगे, मान लो, सोचना शुरू कर दो। और जो एग्जामिनर है, जो आपके पेपर चेक करने वाला है, वो क्या करेगा, आप उसे मांग रहे हो, वो आपका पेपर चेक कर रहा है और चांस की बात है उसके साथ में बैठे हुए हो, भैया प्लीज दे दे यार, प्लीज दे देना, क्या कर रहे हैं यार, दे दे 90%। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं, लॉ ऑफ लव, आपने क्या किया, आपने अपना एक इल्यूजन क्रिएट किया, एक भ्रम क्रिएट किया कि मुझे किताबों से प्यार है, फर्क है थोड़ा सा, मुझे 90% चाहिए, मुझे किताबों से प्यार है, जो नहीं है भ्रम है, किसी को नहीं होता, मुझे नहीं है। जैसे मैंने किया था एक बार 12th स्टैंडर्ड में, जब मेरे 85% आए थे, उससे पहले 60-70 इस रेंज में घूमता रहता था मैं, तो मैंने क्या किया, 6 महीने बाद में मुझे किताबों से प्यार नहीं था, लेकिन बुक्स की जो खुशबू होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती थी। तो 6 महीने बाद मेरी जितनी पुरानी बुक्स थी उनको सबको हटा करके, रद्दी वाले को दे करके सारी नई बुक्स खरीदी, तो खुशबू मुझे अट्रैक्ट करने लगी उस बुक्स की, मैं कहा बुक से प्यार है। इल्यूजन आपने क्रिएट किया और फोकस कहां पे किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहां यूज कर रहे हो, मुझे बुक से प्यार है, बुक से प्यार है, बुक से प्यार है, बुक से प्यार है, वो भी झूठ है, ये भी झूठ है। लेकिन अगर आपको बुक से प्यार हो गया, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो एग्जामिनर से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद आकर के कहेगा लो 95%। एक कंपनी में अगर आप जॉब करते हो, तो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस जगह पे यूज करने से अच्छा कि मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, उसको इस जगह पे यूज करो, आई लव माय कंपनी, मुझे अपने जॉब से प्यार क्यों है, ये भी हो गया, व्हाट टू फोकस ऑन, व्हाई टू फोकस ऑन, मुझे अपनी जॉब से प्यार है, क्यों प्यार है, लिस्ट बनाओ, 50 चीजों की लिस्ट बनाओ, मुझे अपनी जॉब ये इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए 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 इसलिए। जिस दिन आपको सच में प्यार हो गया ना अपनी जॉब से, आपका सीनियर आएगा कहेगा ले भाई प्रभु तो मेरी सीट पे, वरना मांगने वाले को बहुत बैठे हैं लाइन में, 50 बंदे बैठे हैं भाई साहब, मेरे को प्रमोशन दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मिलेगा उसी को जो डिजर्विंग है। तो खुद को काबिल बनाओ, चीजों के पीछे भागना छोड़ो, ये क्लियर है। तो अब मैं बात कर रहा था नेकलेस की,
उसी साइकिल वाले एग्जांपल को नेकलेस के अंदर से, क्योंकि बच्चा तो काम नहीं कर सकता ना, बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो सिर्फ मांग सकता है नेकलेस। उसने मांग लिया जाकर के अपने हस्बैंड से, अगर उसका हस्बैंड अफोर्ड कर सकता होगा कहेगा ठीक है दे दूंगा कोई बात नहीं, टेंशन मत कर, अभी एनिवर्सरी आ रही है मिल जाएगा। 50% केसेस में उसको मिल गया, बाकी के 50% केसेस में उसने अपने आप से, जैसे उसने जाकर के हस्बैंड से बात करी कि मेरे को ये नेकलेस चाहिए, हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं चाहिए लेकिन क्यों चाहिए। उसने पूछा अपनी वाइफ से, उसने कहा क्यों वो सब बेकार की बात है, मैंने भी देखा वो अंसा बोल कुछ नहीं है ये सब क्यों व्यो, मेरे को तो चाहिए हर हालत में। अब उसके हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, मैंने 50,000 रुपये जोड़ के रखे हुए हैं बच्चों की फीस देने के लिए, 30 नहीं दूंगा, तेरा नेकलेस आ जाएगा ले ले। अब उसको फीमेल को झटका लगा, उसने कहा भाई ये किस चक्कर में मैं लग रही थी नेकलेस में, मेरे लिए नेकलेस इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने बच्चे इंपॉर्टेंट है, मतलब नेकलेस का आइडिया ड्रॉप, कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म। क्या जरूरत है ऐसी बेकार की चीज पे फोकस करने की जो आपको सिर्फ दुख देने वाली है, जो आपकी आपकी फैमिली के लिए सिर्फ परेशानियां लेकर ही आने वाली है। एक और सिचुएशन, वो फीमेल कहती है नहीं भाई मुझे तो चाहिए ये नेकलेस। अब एक रास्ता है वही, वो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस तरीके से प्रैक्टिस करे जैसे बताया गया सीक्रेट में। दूसरा जिस रास्ते की मैं बात कर रहा हूं, वो कहती है मुझे 50,000 रुपए का नेकलेस चाहिए। हवा में सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ काम करना पड़ेगा, बड़े बड़े प्लान बनाने का भी कोई फायदा नहीं है कि 50,000 रुपए कहीं से आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, कहां से आएंगे, आसमान से टपकेंगे आकर के नहीं आएंगे। तो फिर क्या करना है, कुछ काम करना है, मतलब एक्शन लेना है, मतलब फिर स्टेप उठाना है, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। उसको जैसे ही ये बात समझ आई उसने कहा मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं। अंदर की आवाज सुनो जिसकी मैं बात करता हूं, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। उसने कहा भाई मेरे अंदर तो कोई आवाज ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। फिर उसने कहा, उसने और ध्यान से समझने की कोशिश करी कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे बहुत मजा आता है, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में, यही अंदर की आवाज होती है और कुछ भी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। तो उसको जवाब मिला कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। और कितना अजीब सी चीज है, कुकिंग का और नेकलेस का क्या लिंक है, कोई लिंक नहीं है, है ना। लेकिन उसने इस चीज को पकड़ लिया कि मुझे कुकिंग का इतना शौक है कि मैं एक दिन में 12-12 घंटे कुकिंग कर सकती हूँ। अब जैसे ही उसको ये जवाब मिला तो उसको समझ आया कि यार जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको कुकिंग अच्छी नहीं आती, जो मेरे पास आती हैं सीखने के लिए, और मैं उनको वैसे ही नुस्खे बता देती हूँ, मैं उनको बता देती हूँ ये रेसिपी अपनी दे देती हूँ और वो जाती हैं और काफ़ी तारीफ करती हैं। अगर मैं ये मेरे पास में 2,000 रुपये जोड़ रखे हैं, इन 2,000 रुपये के पैम्फलेट्स बनवा लूँ, करीबन 3,000 पैम्फलेट्स बन जाएंगे, और अपनी पूरी सोसाइटी में बंटवा दूँ, तो 3,000 में से क्या 3-4 फीमेल आ जाएंगी मेरे पास में कुकिंग कोर्स करने के लिए, कि मैं कुकिंग कोर्स करा रही हूँ घर पर, आएंगे नहीं आएंगी, यस और नो, आएंगी 3 फीमेल आएंगी, और तीनों से अगर 1,000-1,000 रुपये मिले तो कितने रुपये आ गए, 3,000 रुपये महीने के आ गए, और उसके बाद में एक साल बाद में कितने पैसे आ गए उसके पास में, 36,000 रुपये आ गए, मतलब अगले 1.5 साल में वो नेकलेस उसके हाथ में होगा। बस ये मैं बातें करता हूं, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर यूज करना है तो इसमें करो कि क्या काम करना है, गोल सेट करो लेकिन काम पे करो, हवा में नहीं, कपड़ों पर करो। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है उसको वो नेकलेस मिलने की, 100%। अगर अफोर्ड कर सकते होंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, खुद सोचो ना, बुद्धि लगाओ, अफोर्ड कर सकते हो तो क्या जरूरत है। हम सोचते हैं कि 100% केस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करें, क्या जरूरत है भाई, अफोर्ड कर सकते हो जाओ जाके खरीद लो, जरूरत ही नहीं आज मुझे किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट। किसी भी चीज में कोई चीज मुझे चाहिए मैं जाऊंगा जाकर के खरीद के ले आऊंगा, सोचने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैंने अपने आप को काबिल बनाया, चीजों के पीछे नहीं भागा। अपने सेल्फ एस्टीम को कैसे बूस्ट करें? सेल्फ एस्टीम है क्या, पहले तो आपको उसको समझना होगा। सेल्फ एस्टीम है कि आपकी खुद की नजर में आपकी खुद की क्या इज्जत है, दैट इज सेल्फ एस्टीम। दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती, वो सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब पहला स्टेप है जब आप अपने आप से सच बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी गलतियां हो गई उसको एक्सेप्ट करो। तीसरा, लीगली एक काम ठीक है, लॉ कहता है ये काम ठीक है, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, यहां पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं यहां पे, या एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड से है, बिजनेस बैकग्राउंड से है, हाँ बहुत सारे लोग हैं। एक बिजनेस को करने का तरीका ये है, यार मैं ये कर रहा हूं ना, एक तो है लीगली गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, वो तो छोड़ ही दो, उस आदमी की क्या सेल्फ एस्टीम होगी,
खुद की नजर में क्या इज्जत होगी, दुनिया उसके आगे आकर के सलाम ठोकते रहे लेकिन अंदर से तो वो बिल्कुल खोखला ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। उसकी हिम्मत नहीं होगी आकर के चार लोगों के सामने बोलने। आज मैं क्यों कर पा रहा हूँ ये सब, क्योंकि मेरी खुद की सेल्फ एस्टीम है, इसलिए मैं यहाँ पे खुल करके सामने बोल पा रहा हूँ। एक तो ये, दूसरा ये जो लीगली सही काम कर रहा है, ये बड़े ध्यान से समझना, ये सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत काम करता है। लीगली तो आप सही काम कर रहे हो लेकिन अंदर से जो आपकी कॉन्शियसनेस है, मतलब अंदर से जो आपका ईमान है, वो आपको पता है कि नहीं यार ये मैं सही नहीं कर रहा। लीगली आप सही हो लेकिन एथिकली आप गलत हो, और फिर भी अगर आप उस काम को करते चले जाओगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम मीडियम में होगी। एक तो बिल्कुल ही लो हो गई जो गलत काम कर रहे हैं, एक होगी मीडियम में। एक वो आदमी है जो कहता है मैं चाहे लीगली सही हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लीगली तो सही काम करना ही करना है, इलीगल काम नहीं करना, लेकिन लीगली के बावजूद अगर मुझे लगेगा कि ये काम मैं गलत कर रहा हूं तो मैं छोड़ दूंगा इस काम को, मैं वही काम करूंगा जो सही है। उस आदमी की सेल्फ एस्टीम सबसे ज्यादा होगी। मतलब किसी और के बताए हुए मॉरल वैल्यूज नहीं, आपके अपने मॉरल वैल्यूज, आपके अंदर का सही गलत, आपके अंदर एक है, आपको पता है सबको कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मैं काम कर रहा हूं वो सही है क्या गलत है। देखने में बाहर से लोगों को लग रहा होगा कितना अच्छा काम कर रहा है, अंदर से नीयत खराब होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है जो बहुत गलत तरह के काम करता है तरह तरह के, और जा करके किसी हॉस्पिटल के नाम पे 10 लाख रुपए का चेक काट देता है। अच्छा काम है बुरा काम है? बुरा काम है, नीयत तो खराब है ना, अपने पाप को उस तरीके से कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसे बैलेंसिंग नहीं होती। तूने जो गलत काम करे उसका भी तेरे को फल भोगना पड़ेगा, और जो अच्छे काम कर रहा है उसके भी फल भोगना पड़ेगा, अलग अलग है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, स्पिरिचुअल की तरफ चला जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने आपका ये अनस्टॉपेबल का लिखा है वर्कशॉप का पूरा, सर उसमें जो आपने पहले अपना वीडियो दिखाया था कि आप कैसे फर्स्ट आपका सेमिनार में किस तरह से आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हार गए थे, तो आपने ऐसे फिर क्या सोचा कि आप वो फर्स्ट सेमिनार से लेके फिर आगे आज इस पोजीशन पे पहुंच गए हो? देखो वैसे मैंने पूरा डिटेल में उसके अंदर अनस्टॉपेबल के अंदर सब कुछ बता दिया है। सीधा सा फंडा है मेरी लाइफ का जो सिंपल सा एक फंडा रहा है, नंबर एक, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, कभी किसी से भीख नहीं मांगना, ना उससे ना किसी इंसान से। मतलब मेरा फंडा सिंपल सा रहा है कि खुद को काबिल बनाना, खुद को काबिल बनाना, खुद को सही बनाना है, दुनिया को सही नहीं करना। कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो रही है कि मैं यहाँ पे इंडिया में कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं भाई, मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। ये सब कर करके मेरा मन और साफ होता जा रहा है, मेरी प्योरिटी और बढ़ती जा रही है। जो अंदर से चीज आ रही है ना उसको मैं करता चला जा रहा हूँ, और जितना मैं करता चला जाऊंगा अपने आप ही दुनिया बदल जाएगी। और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपके अंदर इतनी पावर होती है कि आप कुछ नहीं भी कर रहे होते तब भी सब कुछ हो रहा होता है। ऐसी आपकी बॉडी की लिमिटेशंस हैं, आपके माइंड की लिमिटेशंस हैं, पर पीछे से अगर वो मकसद होगा ना तो यू गो बियॉन्ड योर बॉडी एंड माइंड, फिर एक दूसरी एनर्जी आती है, एक दूसरी शक्ति आती है, वो आपके थ्रू काम करने लग जाती है, और जब वो काम करते हैं तब मिरेकल्स होते हैं। वो होता है जो हजारों सालों में नहीं, लाखों सालों में नहीं। अगर आप ही ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपको बियॉन्ड उससे आगे बढ़ना, पूछ पूछ करके अपने जिंदगी की जो कॉलिंग है उसको ढूंढना पड़ेगा। देखो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं इनकी आंखों में देख करके बता सकता हूँ, हर एक के अंदर कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मैं या मेरे जैसा कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता। मतलब आपकी जिंदगी का एक मकसद है, और वो आपको बुला रहा है अलग अलग तरीके से, आपको क्लूज दे रहा है, आपको हिंट दे रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है, लेकिन आप अपने डर की वजह से रुक रहे हो। एक बार अपने डर को छोड़ के आगे तो बढ़ो ना, देखो क्या होगा। मैं देख करके हैरान हो जाऊंगा आप लोगों को, जब आप में से कोई निकल करके कुछ कर रहा होगा अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से, मैं देख करके हैरान हो जाऊंगा, कमाल है यार क्या पता है। तो कब होगा जब आप अपने अंदर ही आवाज को सुनोगे, उस पर भरोसा करोगे, बजाय दूसरों की आवाज पर भरोसा करने के। कोई आया आ करके उसने बोल दिया कि नहीं तू नहीं कर सकता, हाँ यार सही कह रहा बैठ गया, खुद ही को लगा हाँ नहीं कर सकता। वो कौन बोल रहा है? वो आपका माइंड बोल रहा है, वो आपको घुमा रहा है, माइंड आपको रोकेगा, माइंड को आपको यूज करना है, माइंड को अपने आप को यूज करने नहीं देना, दोनों चीजों में फर्क है।
वो स्पिरिचुअल जर्नी वाला आप सेशन देखोगे ना, उसमें काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में ये सारी बातें मैंने करी हुई है, उसको आप देखोगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि आपने अनस्टॉपेबल में भी कहा था, एक एग्जांपल दिया था 10 साल के बच्चे और 6 साल के बच्चे का, अगेन यहाँ पर हुआ कि पहलवान का एक एग्जांपल आपने दिया, तो मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली जब हम सबको बताया कि जब इंसान डू और डाई सिचुएशन में एंटर करता है वो सिचुएशन उसके लिए नॉर्मल होता है, पर जब डू और डाई में एंटर करता है तब वो जैसे अचानक से सुपरमैन मोड में एक्टिव हो जाता है और वो कर बैठता है जो सपने में भी नहीं कर सकता। तो सर, नॉर्मल सिचुएशन में जब हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज कर सकते हैं, ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हम सुपरमैन मोड एक्टिव हो जाए और मतलब डू और डाई सिचुएशन क्रिएट हो जाए। सुपरमैन मोड को कैसे एक्टिवेट करना है, बचपन में हम सबके अंदर एक ख्वाहिश थी, किसी को सुपरमैन बनना है, किसी को स्पाइडरमैन बनना है, किसी को शक्तिमान बनना है। हाँ, सबके अंदर था, मेरा बेटा वो सुपरमैन की, स्पाइडरमैन की, बैटमैन की ड्रेस पहन करके घूमता रहता है, मतलब उसको अंदर से, मैं उसको हल्का सा हिंट देता हूँ ना, मैं तेरे को मिलवा दूंगा स्पाइडरमैन से, पागल हो जाता है, हाँ पापा कहाँ मिलेगा, कैसे मेरे अंदर वो शक्तियाँ आएंगी, कैसे वो पावर्स आएंगी, सबके अंदर था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हमारा बिलीफ क्या बनता चला गया, अरे सब कहानियाँ हैं, ये तो सिर्फ फिल्मों में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। मैं आपको एक सच बात बताऊँ, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए ना, आप सबके अंदर एक सुपरमैन है, एक सुपर भरोसा नहीं कर रहे, मतलब वो आपको बोल तो रही है, होता है यहां पे कितने लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि अंदर से लगता है कि यार ये चीज मुझे ना करनी है, लेकिन फिर नहीं करते, मतलब करनी है बस, ये मुझे ना अगर ये कर लूंगा तो मजा आ जाएगा जीने का, मतलब ये करने के बाद में अगर मैं मर भी गया तो कोई परवाह नहीं। अब आया ऐसा किसी के साथ में हुआ है लाइफ में? सबके साथ में हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? हम करते नहीं है, हम ट्रस्ट नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसका सिर्फ एक तरीका है उस सुपरमैन मोड को एक्टिवेट करने का, कुछ भी ऐसा करो, कुछ भी जो आप यहां से करना चाहते हो, जिसको आप पैसे के लिए नहीं कर रहे, किसी वजह के लिए नहीं कर रहे, किसी मकसद के लिए नहीं कर रहे, किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे, किसी मतलब किसी भी, सिर्फ पैसा नहीं, नाम भी। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं ये कर रहा हूं, मैं अपने नाम के लिए करने लग जाऊ, यहां संदीप महेश्वरी का नाम हो जाए, नाम हो जाए, नाम हो जाए, नाम हो जाए, फेम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, क्या होगा, क्या होगा? पावर्स खत्म। तो सुपरमैन मोड सिर्फ और सिर्फ तब एक्टिवेट होगा जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिस चीज से आपको प्यार है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड नहीं हो। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले सेशन में काफी डिटेल में होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर एक सिंपल तरीके से देखा जाए तो प्यार और अट्रैक्शन में कुछ फर्क है या नहीं है? है, कोई बताएगा क्या फर्क है? देखो, प्यार की भी शुरुआत होती है अट्रैक्शन से ही, ठीक है ना? चाहे आप उसकी क्वालिटीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे उसकी लुक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे उस काम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, अट्रैक्शन से होती है। लेकिन अट्रैक्शन एक दिन में हजार हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें हैं जिससे आप प्यार करते हो। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप प्यार करते हो और वो चीज को कर रहे हो, तो आप सुपरमैन हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जब भी कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, तो और लोगों को देखा करते हुए, अरे यार ये बढ़िया, या मेरे को देखा स्टेज पे खड़े होकर के, आपने यहां पे देखा, अरे यार ये जो बंदा कर रहा है ना, मुझे बस ये ऐसा ऐसे ही कुछ करना है, चाहे आपकी कॉलिंग नहीं है, हो सकता है आपकी कॉलिंग हो भी, हो सकता है ना भी हो सकता है, उस अट्रैक्शन के पीछे प्यार ही छुपा हुआ,
हो सकता है सिर्फ एक अट्रैक्शन हो। तो जैसे ही आप उसको करते हो, मतलब ये तब तक पता नहीं लगेगा जब तक आप करोगे नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स नहीं उठाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि छोटे 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 स्टेप्स उठाने हैं, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ताकि आप उस लास्ट स्टेज तक पहुंच सको। जब आप नहीं कर रहे, वो जो आपका प्यार है उस चीज के लिए, वो बाहर आ रहा है और वो लोगों के दिलों तक जा रहा है। मतलब जब आप गाना बना रहे हो तो आप नहीं गा रहे, मतलब कुछ और है, कोई और पावर है जो वहां से आ रही है और जाकर के लोगों के दिलों को छू रही है। तब आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हिट एल्बम नहीं बनानी पड़ेगी, वो एल्बम अपने आप हिट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप एक अलग फोन में जाकर के प्रिंटिंग बना दोगे, आप अपने आप एम एम सेट बन जाओगे, अपने आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो सुपरमैन बनने वाली है जो बात थी, मैंने इसके अंदर ना बहुत गहराई तक सोचा जाकर के, बहुत डीप में, बिकॉज मैं डेली एक दो घंटा तीन घंटा मेडिटेशन करता हूँ। तो गया अंदर 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 जाकर के देखा, मैंने कहा फर्क क्या है यार अट्रैक्शन में और प्यार में, पता कैसे लगेगा? अगर हमें पता ही नहीं लगेगा तो हो सकता है हम अट्रैक्शन की तरह भाग रहे हो और सोच रहे हो सुपरमैन बन जाएंगे, बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते, सुपर पावर्स आ जाएंगे, आ ही नहीं सकते। इमोशन ही नहीं है ना पीछे, वो आपकी जिंदगी का मकसद ही नहीं है ना, आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो, प्यार होगा तभी आएगा, फर्क कैसे पता लगेगा? और मुझे इसका जवाब मिल गया, अपनी पर्सनल लाइफ में भी मिल गया, जो मेरी अपनी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, ये जो मैं कर रहा हूँ, हर तरफ से मैंने देखा तो एक चीज़ कॉमन थी। जब भी आप किसी काम को कर रहे हो और उसमें आपका कुछ भी मतलब है, अपने फायदे के लिए कर रहे हो या अपने प्लेजर के लिए कर रहे हो, तो वो एक अट्रैक्शन है। मतलब आप अपना फायदा जो सोच रहे हो, दूसरे वाला गया बाढ़, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। मौका आने पर आप एक मिनट में उसको छोड़ सकते हो, उस इंसान को भी छोड़ सकते हो, उस काम को भी छोड़ सकते हो। आप समझ गए? ये जो प्यार की मैं बात कर रहा हूँ, प्यार और अट्रैक्शन की, वो काम में भी कर रहा हूँ और इंसान में भी कर रहा हूँ, दोनों में सेम ही है। बस फर्क ये है कि वहां पर एक इंसान है जिससे प्यार की बात हो रही है, यहाँ पे काम है, और मेरे हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो पीछे का फंडा है वो सेम है। एक दिन ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में कई बार आ चुका है, जब आपके अंदर से ना एक अजीब सी चीज बाहर आएगी उस इंसान के लिए। जब तक आप अपने फायदे के बारे में सोच रहे हो वो अट्रैक्शन है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर से दुआ निकले ना कि यार मेरी सारी खुशियां इसको मिल जाए और इसके सारे दुख, इसके सारे दर्द मुझे मिल जाए, तो इसको दर्द में नहीं देखा, इसको मैं दर्द में नहीं देख सकता, खुद को देख सकता, मुझे इसकी सारी बीमारियां लग जाए, सब कुछ हो जाए, कोई परवाह नहीं है, मेरे ऊपर आ जाए सारा कुछ और मेरी सारी खुशियां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब इसको मिल जाए, ये बिल्कुल खुश हो जाए, तो आप सोच जाओ यू आर ट्रू लव। प्यार है, जब भी प्यार है तो आप सुपरमैन, अट्रैक्शन है तो आप मैन। काम कैसे होगा? काम में कैसे इस फंडे को अप्लाई करोगे? मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। जब मैं करीबन 18-19 साल का था और मैंने नया नया फोटोग्राफी शुरू करा था, सुबह 6 बजे कैमरा लेकर के निकलता था, बड़ा भारी कैमरा होता था, आगे लेंसेज लगे होते थे, बैग होता था, नॉन स्टॉप शूटिंग होती थी, क्योंकि मैं अकेला ही था और कोई था ही नहीं मेरे साथ में, खुद ही काउंसलिंग करना, खुद ही ये करना, खुद ही वो सब कुछ खुद ही करता था, तो मुझे पूरा लगे रहना पड़ता था। सुबह 6 बजे से शूट शुरू होता था और रात को कई बार 11-12 बज जाते थे। उसके बाद में जब घर आता था तो दर्द होता था पूरी बॉडी में, भयानक दर्द, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। शोल्डर में कोई यहाँ पर है जो कैमरामैन है, एनीबॉडी हूज़ अ कैमरामैन, तो आप शायद रिलेट कर सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब शुरू में हम स्टार्ट करते हैं, हाथ में उंगलियों में दर्द हो रहा होता है, कंधों में दर्द हो रहा होता है, गर्दन में दर्द हो रहा होता है, कैमरे को टांग टांग करके, वो 2.5 किलो का कैमरा और उसको टांग टांग करके पूरी हालत, रात को नींद नहीं आ रही, दर्द हो रहा है, लेकिन उस दर्द में भी मजा आता था। वो दर्द मेरे को इतना अच्छा लगता था कि आज अगर आप किसी कहो ना कि यार मेरी जो गाड़ियां हैं चार, ये ले लो, मुझे वो दर्द दे दो, मैं तैयार हूँ। वाह, मुझे वो दर्द, जब आपको दर्द भी अच्छा लगने लग जाए तब आप समझ जाओगे आप प्यार में हो, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, और जब उस काम को ना करने के आप बहाने ढूंढने लग जाओ तो आप समझ जाओगे वो अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कोई भी ऐसा काम जो आप नहीं करना चाहते यहां से, तो आप एक नहीं हजार बहाने ढूंढ लोगे उसको ना करने के। दूसरी तरफ कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हो तो आप रास्ता ढूंढ लोगे इस काम को करने के। हजार रास्ते नहीं जा रहे हो वहां तक, एक रास्ता जा रहा है, दूसरी पे जाऊंगा, अपने आप जाऊंगा और वहां तक पहुंचूंगा।
मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है बिकॉज आई एम वेरी मच हैप्पी विद मी इन माई लाइफ. सिर्फ आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपके सेशंस की वजह से कई सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिली है एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय इंस्पिरेशन. मेरे में अपनी तारीफ का और बुराई का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता, कोई फायदा नहीं. मैंने एक ही चीज बार बार मांगी और आज फिर से वही चीज मांग रहा हूँ, किसी के लिए कुछ अच्छा कर देना. पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ी सी हंसी दे देना, थोड़ी सी खुशी दे देना, बस चलते चलते किसी का कोई किसी थोड़ी सी हेल्प कर दे. सर अगर किसी इंसान की लाइफ में सब कुछ हो, हर एक वो चीज जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होना चाहिए, अच्छी फैमिली है, अच्छी हेल्थ और हर एक चीज है, अगर फिर भी वो खुश ना हो और वो अपने आप से क्वेश्चन करता है वो खुश क्यों नहीं है और से रीजन ना मिले, तो सर ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, यू नो, बिकॉज आपने एक मतलब ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आते हैं पहाड़ और मैक्सिमम लोग यहाँ पर चोटी पे तो बहुत कम लोग होते हैं. आपने वो पूछा कि जो आदमी चोटी पे पहुंच गया और वो क्या करे, आगे चढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, राइट? हाँ, जो यहाँ पर है उनके क्वेश्चन होते हैं, अच्छा मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, समझ आता है. बट ही इज आस्किंग समथिंग एल्स, ये पूछ रहा है कि यार जो बंदा अगर मैं कल को वहां पहुंच गया तो क्या बचेगा, है ना. देखो मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं गोल सेटिंग में बिलीव नहीं करता, क्योंकि गोल सेटिंग जब पर्पस पे होती है तो आप वहां कभी पहुंच ही नहीं सकते, समझ गए. जब गोल सेटिंग गोल पे होगी तो आप पहुंच जाओगे, चीजों पे होगी तो आप पहुंच जाओगे और आप फिर आप खोखले हो जाओगे अंदर से. कोई भी इंसान, देखो जब तक किसी के पास में पैसा नहीं होता ना, ये बहुत सारी चीजें नहीं होती, उसको लगता है कि हाँ बस यही सब कुछ है, इसी में मजा है, ये अगर आ जाए तो लाइफ बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए. जिस दिन आ जाती है ना जिंदगी झंडा फिर भी कमंड है. ऐसे एक नहीं हजारों एग्जांपल आपको दे सकता, आप भी अपने आस पास में जाकर के देखना, जिसके पास में जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही डरा हुआ होगा, उतना ही घबराया हुआ होगा, खुल के नहीं कर रहा होगा अपनी लाइफ को. जब उसने अपना करियर शुरू किया था तब वो जिस तरीके से चीजों को करता था, तब उसकी जो एनर्जी थी, जो एंथुसियाज्म था, जो जज्बा था चीजों को करने का, क्या वो अभी होता है? नहीं होता, मतलब मर गया, जीते जी मर गया. अब वो एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट के बीच में घिरा हुआ है, चीजों के बीच में घिरा हुआ है और वो खुद एक चीज बन गया, इंसान नहीं था. तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि कुछ भी अगर किसी की जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप कहते हो कि मैं मेरी तो जिंदगी में कोई मकसद नहीं, मैंने बहुत पूछा क्यों 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 क्यों, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूं, आपकी जिंदगी के मकसद को ढूंढना ही आपकी जिंदगी का मकसद है. जीने की वजह, मरने की वजह, कोई ऐसा काम जिसके लिए आप मरने को तैयार हो, जिसके लिए आप जीने को तैयार हो, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, जब आप उस चीज को कर रहे हो तो आप जिंदा हो, एक मुर्दा नहीं हो, लाश की तरह नहीं बैठे रहे, जिंदा हो. कुछ भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो छोटी सी दुकान भी हो सकती है, बच्चों को डांस सिखाना भी हो सकता है, एक छोटा सा डांस इंस्टीट्यूट हो सकता है, हो सकता है किसी फीमेल को उसी चीज का शौक हो तो वो करे, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ही करते पास बहुत है, वो इंसान कभी परेशान नहीं. चौबीस घंटे उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि आप ये सब ट्राई कर रहे हो अपने प्यार तक पहुंचने के लिए. अगर इसी को आप जिंदगी समझोगे तो एक दिन जिंदगी खोखली. फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है, वो एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ, फिर दूसरी की तरफ हुआ, फिर तीसरी की तरफ, एक अफेयर, दो अफेयर, तीन अफेयर, दस अफेयर, जब तक वो ये सब कर रहा है अपने प्यार तक पहुंचने के लिए, तब तक तो ठीक है.
लेकिन ये काम आपका एक दिन चल सकता है, एक महीना चल सकता है, एक साल चल सकता है, दो साल चल सकता है, उसके बाद खोखले हो आप, अकेले हो, आप लोगों ने यही है क्या, यही यही करता रहो बस, यही और कुछ है नहीं कहीं, जैसा रहो प्यार तक पहुंचना पड़ेगा और प्यार कुर्बानी मांगता है। अब देखो ये भी एक और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सारे लोग वहां तक भी पहुंच जाते हैं, मतलब आपने क्यों क्यों पूछ करके चीजें कर करके और फिर आप वहां तक भी पहुंच गए, आपको समझ आ गया कि ये मेरा प्यार है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर आप प्यार को पाना चाहते हो तो अट्रैक्शन को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो मेरे पास प्यार भी हो और अट्रैक्शन भी हो, अट्रैक्शन क्या कहती है, मेरे को ये 50,000 रुपए की कहीं से जॉब मिल जाए, बस ये अट्रैक्शन है, बस 50,000 रुपए मिल जाए, अरे कोई बात नहीं 10 घंटे तो मैं बैठ जाऊंगा ना, क्या फर्क पड़ता है, सैटरडे संडे मिलेगा उसमें जाकर एक पिक्चर देखूंगा, बहुत है और क्या करना, दोस्तों के साथ में 2-4 रुपए लगा लिया बस हो गया। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बट क्या है, कब तक मजा आएगा उस चीज में, एक दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा, उसके बाद में खोखले हो जाएंगे अंदर से, लगेगा यार ये मैं कर क्या रहा हूँ। दूसरी तरफ मैंने कहा ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपका प्यार कुछ और है, कॉलिंग कुछ और है, अंदर से आवाज कुछ और आ रही है, अट्रैक्शन ये कहता है कि ये इसको पकड़ के रखो, प्यार कहता है ये एक जॉब है जहां पे सिर्फ 30,000 रुपए महीने का मिल रहा है, वहां 50,000 है, यहाँ पे 30,000 है, लेकिन यहां पर मैं वो करूंगा जिसमें मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं। और ये डील बहुत अच्छी है, ये डील बहुत अच्छी है, शॉर्ट टर्म में खराब लगेगी ये डील, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जो 50,000 की आप जॉब करोगे जहां पे आप खुश नहीं हो वहां पे 50,000 से 60,000 पे चले जाओगे, 70 पे चले जाओगे, 80 पे चले जाओगे, अटके रहोगे जिंदगी भर वहीं पे। लेकिन जिस चीज को आप प्यार करते हो आज अगर वहां पे 30,000 पे हो ना तो कल 30,00,000 पे भी जाओगे तो कोई कोई तो आगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ लाइफ, जैसे आपने पहले कुछ और बिजनेस स्टार्ट किया था, देन यू स्टार्टेड इवेंट मैनेजमेंट एंड देन फाइनली लैंडेड अप विद फोटोग्राफी बिजनेस। अभी मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग माय जॉब, आई एम इन अ गुड पोजीशन, ओके, फिर भी अंदर से कुछ आवाज़ आती है कि नहीं कुछ और करना चाहिए, कुछ मतलब सोसाइटी के लिए करना चाहिए या कंट्री के लिए करना चाहिए, बट कैसे, मतलब आई कैन नॉट लीव माय जॉब एंड स्टार्ट समथिंग यू नो सोशल वर्क, एम आई इन द राइट दिस थिंग डायरेक्शन, उस कुदरत ने हमारी किसी की कहानी लिखी है नहीं लिखी है मैं नहीं जानता, कोई कुछ भी बोलता रहे ये सब पहले से लिखा हुआ है, ये ऐसा ही होगा वैसे ही होगा, आई डोंट नो, ये जो पर्पस है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये हम खुद ही क्रिएट करते हैं। एक पर्पस है जो हमको ज्यादा पावर देता है, एक कम देता है, मतलब एक तरीके से हम खुद अपनी लाइफ का रोड मैप बना रहे हैं। तो पर्पस क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, आपके पास में चॉइस है, आप जैसा चाहे वैसा पर्पस अपना क्रिएट कर सकते हैं, और धीरे 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 एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आप वो पर्पस बन जाओगे, पर्पस हट जाएगा, आप खुद जीते जाते वो पर्पस बन जाओगे। अब वो पर्पस है क्या, बेसिकली मकसद क्या है, देखो हम जो इंसान है ना हमारे अंदर सिर्फ जो सबसे हाईएस्ट जो फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है, सबसे बड़ी खुशी की अगर मैं बात करूं, एक है छोटी खुशियां धीरे 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 वहां पर पूरी होती रहती है, वो क्या है कि हमारी नीड्स पूरी हो जाए, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है वो जरूरी नहीं है कि हमारी नीड्स पूरी हुई नहीं और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब बेकार है, आप खुश रह ही नहीं सकते, पहले आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है। इसीलिए अगर आप ध्यान से मेरे सेशंस को एनालाइज करोगे मैं धीरे धीरे सेशंस का लेवल बढ़ाता चला जाता वो और गहराई आती चली जा रही है उसके अंदर। बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई आदमी जिसका बेसिकली वो सिर्फ बैठा हुआ है कुछ कर ही नहीं रहा लाइफ में, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने अपना पढ़ाई खत्म कर ली लेकिन कह रहा है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं अपने सेशंस के थ्रू बोल रहा हूं तू चल आगे बढ़ कुछ कर, फाइनेंशियली कुछ अचीव कर, ये कर वो कर, गोल अचीव कर, ये करो कुछ भी कर, कुछ कर, जब आपने कर लिया ना एक एक करके आपकी नीड्स पूरी होती चली गई होती चली गई होती चली गई, तो जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है वो मिलती है कॉन्ट्रीब्यूशन से। किसी भी तरीके से अगर आप किसी इंसान के लिए किसी जानवर के लिए कुछ भी अच्छा करोगे, और आपको पता होगा जब आप अच्छा कर रहे हो अंदर से आपको पता होता है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, आप किसी मकसद के लिए नहीं कर रहे, मतलब आप उसे कुछ हासिल करने के लिए नहीं कर रहे, अपनी तरफ से कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल,
वो करके जब आप निकल जाओगे ना, शुरू में अजीब लगेगा क्योंकि हमारा माइंड ऐसे काम नहीं करता। आप कहोगे यार अगर मैं ये 100 रुपए का नोट डाल रहा हूं तो मेरे 4 रिश्तेदार खड़े, इनको दिखना तो चाहिए आरती की थाली में 100 रुपए। थाली में डांस कर रहा है, डिंचे में डिंचे डिंचे वहां पे जाके वारी फेरी होती है कभी। 10 की गड्डी पड़ी है, 1 50 का नोट निकाला, जब देखा सारे लोग हैं वहां पर दिखाने के लिए, अपना 50 रुपए का वो वारी फेरी कर लिया। आप समझिए मेरी बात, ठीक है कि हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको टेम्पररी खुशी मिलेगी, प्लेजर मिलेगा, उसको प्लेजर बोलते हैं, जॉय नहीं बोलते, हैप्पीनेस नहीं बोलते, ब्लिस नहीं बोलते, ब्लिस है आनंद, मतलब आप झूम गए, आप मस्त हो गए, आपको होश ही नहीं, आप कह रहे मजा आ गया, ये मतलब आप ये भी भूल गए कि आप खुश हो, इतने खुश कि आपको पता ही नहीं कि आप खुश हो, दैट इज द पीक ऑफ हैप्पीनेस। ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, और वहां तक कैसे पहुंच सकते, वहां तक आप पहुंच सकते, उसके लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत है, ये बहुत बड़ी गलत है, बड़ा करना भी अपने आप में एक ट्रैप है। जब आदमी बड़ा करने की सोचता है ना, तो वो मटेरियलिस्टिक चीजों का तो छोड़ देता है लालच धीरे धीरे, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें जब उसको मिल जाती है तो उसका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाता है, वो नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों को पकड़ लेता है, नाम को पकड़ लेता है, उसके अंदर नाम की भूख आ जाती है, मुझे नाम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो भी एक भूख है, जब तक वो वाली आपके अंदर भूख रहेगी आप अटक गए। तो अब बेसिकली जिस दिन आप कहीं भी छोटे से छोटा स्टेप उठाओगे, छोटे से छोटा, तो आप समझ जाओगे आप अपने मकसद की तरफ जा रहे हो, और इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि ये करके ही आपको अच्छा लगेगा, हो सकता है कहीं कोई बच्चा हो एक छोटा सा आपके घर के आसपास में जो आपको घूमता हुआ दिखे, उसको पकड़ करके बिठा करके अपने पास में ला करके उसको पढ़ाने में आपको अच्छा लगे, यही आपकी जिंदगी का मकसद हो, उसमें आपको इतनी खुशी मिलेगी जो मेरे जैसे 1000 लोग इतने 1000 सेमिनार करके भी नहीं पा सकते, आप इतने खुश हो जाओगे उसमें, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप अंदर तक यू आर एट पीस, मतलब कुछ भी ऐसा करना है जहां पे आपको लगे कि यार मैं बेवजह नहीं हूं यहां पर इस धरती पे, मैं इंसान हूं, मैं सिर्फ ये नहीं है कि खाया पिया सोया उठा और ये किया, नहीं मैं कुछ किसी तरीके से कर रहा हूं, आपको किसी को हंसाना अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक, आज की डेट में हर बंदा परेशान है, हर बंदा रो रहा है इस कंट्री का बुरा हाल है, ये बुरा हाल है, वो बुरा हाल है, यह खराब है, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, मगर लोगों के चेहरों पर हंसी नहीं है, हंसी नहीं है, लोग हंसना ही भूल गए, हंसी नहीं, हंसने के बहाने ढूंढते हैं, मतलब पिक्चर जाएंगे हंसने के लिए, यार वो कॉमेडी फिल्म लगी हुई है वो देखूंगा तब हंसूंगा, 2 घंटे के लिए ऐसे बस, बाकी 24 घंटे क्या कर रहे हो, ये जिंदगी है क्या, नहीं, तो आपने क्या अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, मैंने लोगों को हंसाना, बस देखो क्या मजा आएगा, आप जहां भी हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, यहां पे हो, वहां पे हो, एक चुटकुलों की किताब खरीद ली आपने बढ़िया से, 50 चटपटे चुटकुले और पढ़ पढ़ के आप सुनाए जा रहे हो लोगों को, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, अब इसी तरीके से मकसद की शुरुआत होती है, आप सोच रहे हो यार ये करने से क्या कुछ बड़ा थोड़ी हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे होता है, आपने वो करना शुरू किया और हो सकता है कॉलिंग आपके अंदर से आई, ये चुटकुलो अभी सिग्नल्स होते हैं, ये मत समझो ये चीज एक दिन में हो जाती है, एक दिन में सुपरमैन बन जाते हैं, नहीं एक दिन में नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे पावर्स बढ़ती है, धीरे 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 आपने चुटकुले सुनाने शुरू करें, आपको मजा आने लगा, आपने कहा यार ये तो मजा आ रहा है, 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 आपका मन करा और करता, फिर आप किसी कवि सम्मेलन पे चले गए, वहां पे जाकर के आप सुनाने लग गए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको ये मत समझना कि आप सबको जाकर के चुटकुले सुनाने पकड़ पकड़ के कॉलिंग है, कुछ भी हो सकती है, कैसी भी अजीब सी हो सकती है, लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा ढूंढ लोगे जहां से आपको लगता है कि मैं कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो वो चीज आज नहीं तो कल आकर के आपको पकड़ लेगी, चखड़ लेगी, और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे, हो सकता है आने वाले टाइम में आप एक कवि बन जाओ, हो सकता है एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ, हो सकता है कुछ भी बन जाओ, यू नेवर नो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इस लेवल तक चले जाए, आप कुछ भी ना बनो लेकिन 24 घंटे लोगों को हंसाते रहो, इससे बढ़िया लाइफ क्या होगी जो आपके आस पास के लोग मिले, आप एक काम करते हैं, अब मैं आपको कुछ देने वाला हूँ, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, 3 अलग अलग एरोप्लेन है, तीनों में कुछ लिखा हुआ है अलग अलग, तो जिसको भी ये मिलेगा वो बिना माइक के पूरी अपनी एनर्जी के साथ में चीख करके बाकी सब लोगों को बताएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है और मैंने साइन किया हुआ है, ये इस सेमिनार का, ये जो आज सेशन हुआ है इसका निचोड़, इसमें जो चीजें लिखी हुई है अगर आपने वो नहीं करी इन तीनों में जो लिखी हुई है और बाकी सब कुछ किया, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बातें मतलब देखते हैं इसके ऊपर क्या है।
जोर से खड़े होकर के जोर से सबको पीछे तक सुनाई देना चाहिए, एक बार बोलोगे बस पूरी एनर्जी के साथ। Do it now. सुनाई नहीं दिया, पीछे सुनाई दिया क्या? Do it now. Do it now. सुनाई दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। Do it now. Do it now. हम देखते हैं दूसरे में क्या है। Inside, inside, do it now. बहुत अच्छा लगा, एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, इमोशंस भी अंदर से काम कर रहे हैं, पीछे से एक एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रही है। हो रहा है ऐसा भी कितने लोगों के साथ में हो रहा है, उनके माइंड में प्लान्स भी बन गए होंगे, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये होगा, वो होगा, तू देख क्या क्या होगा। लेकिन अगर आपने कल एक्शन लेने का सोचा तो आप मेरे से लिखवा करके रख लो, आप कभी नहीं लोगे, क्योंकि कल कल ही रहेगा, कल कभी आज नहीं होने वाला, कल फिर कल पे जाएगा, फिर परसों पे जाएगा, फिर तरसों पे जाएगा, मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज करना है तो करना है, डू इट नाउ, डू इट राइट नाउ, छोटे से छोटा स्टेप उठाना है, छोटे से छोटा। देखो कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ बदलना पड़ेगा। कल भी आपने वही किया जो आज तक आप करते आए हो, तो कल भी वही होगा जो आज तक होता है, कुछ अलग नहीं होने वाला, सब होगा वही रहेगा। तो एक बार सब तीनों साथ में, तीन बार हम बोलेंगे इसको साथ साथ में, यही जो इसमें लिखा हुआ है, और इसको अंदर तक भर करके आज कुछ भी छोटे से छोटा एक्शन लेना है, आगे आप अपने आप पहुंच जाओगे। दूर का छोड़ो, दूर का छोड़ो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज आज में कुछ करना है।